हाय दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज है और हम बात करने जा रहे हैं आज इंटीजर्स के बारे में। बेसिकली हम लोग ये एनसीईआरटी क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इंटीजर्स को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हम क्यों पढ़ते हैं आखिर। तो पहले क्या होता था, जब नंबर्स का खोज नहीं हुआ था और डिजिट्स नहीं थे हमारे पास, तब लोग कैसे चीजों को काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास कितने मवेशी हैं या कितने मतलब कितनी बुरी अनाज है, वो चीजें वो कैसे काउंट करता होगा, सोचिए। तो वो क्या करते थे कि डंडिया रखा करते थे कि हमारे पास इतने थे, या फिर वो मतलब इस तरह से चीजें काउंट किया करते थे वो। फिर जब वो जब चीजें कम होती है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास चीजें हजारों की संख्या में हो तो आप कितनी लाइन खींचोगे या कितनी डंडिया रखोगे। तो वहां पे क्या हुआ कि हम एक नंबर्स का सिंबल्स का यूज करने लगे। तो फिर उस समय हम चीजों को अब 2, 8, 5 इस तरह से अलग अलग नंबर्स टाइप कर रख के जिसपे हम लोग चीजों को काउंट करना शुरू कर दिए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि अब लोगों को और दिक्कतें आती थी उसमें, तो लोग अब उसको एक सीक्वेंस में रखना शुरू कर दिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। फिर बाद में इसी को जाकर बोला गया नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर केवल उसी चीजों के लिए हम लोग यूज करते थे जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब कुछ चीजें होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम उसके लिए जीरो का यूज करना मतलब जीरो का यूज किए, और जब हम इसी जीरो को नेचुरल नंबर के साथ एड कर देते हैं, देन वो कहलाया क्या, होल नंबर। तो क्या हुआ कि होल नंबर पूरा जो है वो नेचुरल नंबर तो कंटेंट रखता है नेचुरल नंबर का, प्लस उसमें जीरो भी होता है, यानी कि होल नंबर एक बड़ा एरिया है जिसमें कि नेचुरल नंबर भी कवर होता है और प्लस जीरो भी होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंटीजर्स का जरूरत क्यों पड़ा। इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जब हम और कॉम्प्लेक्स लाइफ में आते चले गए, जब चीजें और कॉम्प्लेक्स हुई, हमारे पास फाइनेंस आया, पैसों का लेन देन हुआ, तो भाई पैसे हम केवल लेते नहीं थे, हम पैसों का दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन होता था, कुछ लोग पैसे लेते थे देते थे, तो उन सारी चीजों को हम कैसे ट्रैक कर पाते, तो हमारे पास निगेटिव नंबर्स की भी आवश्यकता पड़ी। तो जब हम नेचुरल नंबर जीरो के साथ निगेटिव नंबर्स को रख के एक सीक्वेंस में रखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जेड को हम कैसे लिखते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट। अब ये जस्ट मैं बेसिक ब्रीफ दिया हूं आपको, मैं अब आगे बताता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं चीजों को। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आपको सिंबल्स याद होने चाहिए कि नेचुरल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये काउंटिंग नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट को हम बोलते हैं असंख्य संख्या, असंख्य जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। तो यानी कि हम 1, 2, 3, 4 से लेके अगर 10,000, 20,000, 50,000, 10,00,000, 50 करोड़, 100 करोड़ इस तरह से हम एक ऐसी संख्या पहुंच जाए जिसको हम और काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसको इनफाइनाइट के सीरीज में रख देते हैं कि हाँ ये हम एक इनफाइनाइट तक जा रहे हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर होल नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये लोग ये सारी चीजें आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को रख देते हैं तो वो कहलाता है आपका होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी चीजें जब इनफाइनाइट तक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को W से भी नोट करते हैं। अब आगे हमको पढ़ना है इंटीजर्स, जो कि मेन आपका चैप्टर है, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे ना, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर्स, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में जब लिखी जाएंगी, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और निगेटिव नंबर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। अब आपको समझना होगा कि नंबर लाइन क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको सिलेबस में भी है और आपको समझना भी चाहिए।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन क्या होता है। ये बेसिकली लाइन होता है जिसपे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड में नेचुरल नंबर्स होता है जिसको कि 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स यहाँ निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहां पे जो भी नंबर्स है वो सारी की सारी एक फिक्स इंटरवल में जुड़ी रहती हैं। मैं एक चीज और बताना यहां भूल गया, नेचुरल नंबर्स में केवल ये नंबर्स आते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें फ्रैक्शन नहीं होता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर कोई बोले कि 3/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। होल नंबर है, नहीं है। इंटीजर्स है, बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें फ्रैक्शन में होंगी वो सारी चीजें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नहीं कहलाएंगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स केवल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, केवल नंबर्स होते हैं, उनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। तो बेसिकली हम यहाँ पे केवल आपको इंटीजर्स बताने जा रहे हैं, तो हम आपको फ्रैक्शन नहीं बताएंगे अभी। फ्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, -1 और 2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, यहां से आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर्स का वैल्यू भी बढ़ता है। यानी कि नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है वो सारी चीजें लेफ्ट टू राइट साइड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये कौन से ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज्ड है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर कोई बोले कि -4 और -2 में कौन बड़ा हुआ, तो आपको कभी भी नहीं कहना है कि -4, नंबर्स देख के बिल्कुल नहीं कहना है। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि जो चीजें नंबर लाइन पे राइट साइड होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो -4 और -2 में कौन बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप निगेटिव को मान लीजिए कि कर्ज, सपोज जैसे हम किसी से कर्ज लिए हैं उसको निगेटिव में डाल दिए, तो अगर आप किसी से 2 रुपया लिए तो आप कम कर्ज में होगी ज्यादा कर्ज में, एक कर्ज हुआ आपको थोड़ा कम हुआ। अगर आप उनसे और 2 रुपया लिए तो वो आप कर्ज ले रहे हो ना, और कर्ज आपका बढ़ता चला जाएगा, तो यानी कि आप और निगेटिव में जा रहे हो। तो ये निगेटिव में नंबर्स का वैल्यू बढ़ेगा, बट अगर ओवरऑल वैल्यू देखा जाए ना, तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा ना उतना आपका वैल्यू कम होगा, आपके टोटल जो धन होंगे ना वो कम होगा। इसलिए निगेटिव में जितना नंबर्स का वैल्यू कम होता है ओवरऑल वैल्यू उनका उतना ज्यादा होता है। तो आप यहां से नंबर लाइन समझ गए होंगे, नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए, इंटीजर समझ गए। ये अब इसके नोट्स का आप चिंता मत करिए, मैंने नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, तो आप वहां से इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। चलिए फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज के नाम जान लेते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में समझाता हूँ कि कौन से प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ। क्लोजर अंडर एडिशन, ये नाम से भी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट है कि ये क्या होता है। क्लोजर अंडर एडिशन, इसका मतलब ये होता है कि समेशन ऑफ एनी टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इफ ए इज इंटीजर एंड बी इज इंटीजर देन सी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 + 3 = 5, 9 + 4 = 13। Here you can see 2 and 3 both are integers, then 5 is also an integer. So आप किसी भी दो इंटीजर्स का सम करेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा। तो आपको इसके डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आता है देन आपको अपने मन से डेफिनेशन लिख देना है कि समेशन ऑफ एनी टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, देन आप पढ़ते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ये भी सिमिलर टू फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है।
क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हमें ये बताता है डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर. इट मीन्स इफ ए इज एन इंटीजर बी इज एन इंटीजर देन डिफरेंस ऑफ बोथ द इंटीजर विल ऑलवेज बिकम अ इंटीजर. इफ ए एंड बी आर टू सेपरेट इंटीजर देन सी विल ऑल्सो बी अ इंटीजर. एग्जाम्पल 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है माइनस 1 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर. तो आप देख सकते हैं कि किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा और यही प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. तो इसका भी डेफिनेशन आप अपने आप से लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आता है तो. आपको जस्ट ये लिखना है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर. ओके, अब आप पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें ये बताता है कि समेशन ऑफ एडिशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय स्वैपिंग ऑफ टर्म्स और चेंज द ऑर्डर ऑफ टर्म्स. इट मींस इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो चीज को अगर जोड़ते हैं तो हम किसी को पहले रखें या किसी को बाद में, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के ऑलवेज, और यही चीज कहलाती है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 प्लस 3 ये 5 होगा, या फिर 3 प्लस 2 लिखो, दोनों का मतलब 5 हुआ. इस दोनों का आप कैसे लिख सकते हो कि 2 प्लस 3 बराबर है 3 प्लस 2 के, और यही तो कहलाती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बिल्कुल सिंपल है. अगर एग्जाम में आता है आपको क्या लिखना होगा, द रिजल्ट ऑफ समेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाई स्वैपिंग ऑफ नंबर. स्वैपिंग मतलब होता है चेंज करना, स्वैप करना. स्वैपिंग ऑफ नंबर्स और वे टू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, रिजल्ट विल नॉट चेंज. ओके, अब आपको यहां पे एक चीज और समझनी होगी कि जो क्यूमुलेटिव है वो इंटीजर में नहीं होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट द क्यूमुलेटिव फॉर इंटीजर. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप 5 माइनस 3 लिखोगे कितना आएगा, 2 आएगा. अगर आप 3 माइनस 5 लिखोगे तो ये माइनस 2 आएगा. इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन होता है. तो आप यहां से देख सकते हैं कि 5 माइनस 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5 है. तो आप यहां से एक चीज और समझिए, सब्ट्रैक्शन इज नॉट द क्यूमुलेटिव फॉर इंटीजर्स. चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ समेशन मींस द रिजल्ट ऑफ समेशन विल नॉट बी चेंज बाय द वे ऑफ ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, आप अभी समझ जाओगे. सपोज ए बी और सी तीन नंबर है, हमको इन्हें जोड़ना है. आप कैसे जोड़ोगे? कोई भी तरीका आप ले लो. सपोज ए और बी को आप पहले जोड़ लिए और उसमें आपने सी को ऐड कर दिया, या फिर ए को आप रहने दिए बी और सी को ऐड कर दिए. ठीक है, दोनों केस में रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि आप किसी को भी ग्रुप बना के आप ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ जाओगे. चलो अब आप एक एग्जांपल लिखो. सपोज 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो आप पहले 2 प्लस 3 को क्लब करो और फिर 5 को ऐड करो, कितना होगा 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया और ये 5 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया. अब आप एक दूसरे तरीके से करो, उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 को अलग रखें
3 और 5 को एक साथ कर लिए, तो ये 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि आप पहले 2 और 3 को क्लब किए, फिर बाद में आपने 3 प्लस 5 को क्लब किया, बट रिजल्ट क्या आया, दोनों का सेम आया। मतलब कि इंटीजर्स में आप किसी भी नंबर्स को पहले बाद में या फिर बाद वाले को या शुरू वाले को किसी को भी क्लब करके आप ऐड करो, ऐड में आपका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता और ग्रुपिंग भी मैटर नहीं करता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको इन सब की नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर समझ लो फिर आप नोट से नोट कर लेना। चलिए अब हम अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इरेज करता हूं। चलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ये बोलता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स के साथ जीरो ऐड करते हैं देन वी गेट द सेम नंबर। सपोज ए एक इंटीजर है, अगर हम उसके साथ जीरो ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। सिंपल, दिस इज कॉल्ड अ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही इजी है। 1 प्लस 0 1 होगा, 10 प्लस 0 10 होगा, अगर हम 39 में 0 ऐड करते हैं 39 होगा, 0 प्लस 28 करेंगे 28 होगा। यानी कि आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे सेम नंबर मिलेगा, और इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं आपका एडिटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है, आपको ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रॉपर्टीज, आपको कई दफा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज समझना होगा। आप यहाँ से आप सारी चीजें देख ही चुके हैं, आप एक बार नोट्स भी डाउनलोड करके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो बहुत लंबा ना जाए इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आगे की जो चीजें हैं जैसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और उनके प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और आपको जो भी चीजें प्रॉब्लम हो, आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आपको जवाब दूंगा। चलिए बाय।